दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को मिलेगा तुषार देश पांडे से छुटकारा, यानी कि साउथ अफ्रीका से सीधा भारत आया महेंद्र सिंह धोनी, यानी सीएसके के लिए एक नया इम्पैक्ट प्लेयर। इसका साफ मतलब यह है कि सिसांडा मगाला भारत पहुंच चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है सीएसके के पूरे स्क्वाड और मैनेजमेंट को। आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि काइली जेमिसन का रिप्लेसमेंट के तौर पर सीएसके ने स्क्वाड में सिसांडा मगाला को शामिल किया था, क्योंकि काइली जेमिसन रूल आउट हो चुके आईपीएल से इंजरी के वजह से। सिसांडा मगाला राइट आर्म मीडियम तेज गेंदबाज, जिन्होंने अभी अभी नीदरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जो है कमाल करके दिखा दिया। जिस हिसाब से उनकी यॉर्कर्स हैं और जिस हिसाब से वो चेंज ऑफ पेस करते हैं, बहुत बेहतरीन है। और साथ ही साथ इनके पास स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। डेल स्टेन भी इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। इन्होंने डेल स्टेन ने इनके बारे में साफ कहा था कि आई एम हिज बिग फैन, और साफ तौर पर सिसांडा मगाला के लिए कहा था। 43 रन देकर 5 विकेटें इन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ तीसरे वनडे में ली थी। सेकंड वनडे में 3 विकेटें इन्होंने ली थी सिसांडा मगाला ने। तो तुषार देश पांडे की जगह पर एमएस धोनी इनको इम्पैक्ट प्लेयर का ऑप्शन रख सकते हैं। और तो और वानखेड़े मैदान में होगा चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और चेन्नई सुपर किंग्स रवाना हो चुकी थी आज सुबह ही वानखेड़े के लिए, यानी कि मुंबई के लिए। और साथ ही साथ अब वहाँ पर सिसांडा मगाला की साफ ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप देखिए डेथ ओवर की बॉलिंग जो है जूझ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की। दीपक चहर ने पिछले मुकाबले में 4 ओवर में 55 रन दिए थे। डेथ ओवर में उनसे एक ओवर कराया गया था, उसमें उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा रन कंसीड किए थे और वाइड्स भी डाली थी। हांगरेकर ने भी 3 लगातार वाइड डाली थी, वाइड और नो बॉल्स। तुषार देशपांडे ने भी डाली थी, 4 ओवर में 45 रन दिए थे, 2 विकेट ले ली थी वो तो, पर रन्स बहुत ज़्यादा कंसीड किए थे 9 के आसपास की इकोनॉमी से। और पहले मुकाबले में जीटी के खिलाफ सीएसके के जो डेथ ओवर के सारे गेंदबाज हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रन्स कंसीड किए थे, और तुषार देशपांडे ने तो 4 ओवर में 51 उस मुकाबले में भी दे दिए थे। तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए राहत की बात है, राहत की सांस ली होगी महेंद्र सिंह धोनी ने कि सिसांडा मगाला जो है अब सीएसके के साथ जुड़ गए हैं। अब ये देखना होगा कि फाइनली कि वो सिसांडा मगाला को मौका देते हैं या नहीं देते, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर रखते हैं उनको या सीधा प्लेइंग 11 में ही जो घोषित होगी उसी में उतार देते हैं। ये एक बड़ी चीज़ होगी, मुझे लगता है कि अगर एज ए इम्पैक्ट प्लेयर रखें तो वो भी तुषार तेज पांडे की जगह, ये ही मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन रहेगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। पर आपकी क्या राय इस बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स फैक्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें।